रावल्या हो रावल्या पास ते लगा रही सा आजकल के औलाद रे सारे दिन फोन में घुसा रहता है क्रम फुटा हमने सामने ही टक्कर बताया करे यार आदमी की औकात कितनी है बस अजी मैंने कहा राम राम सा बेरा है क्या अजी भाई जी राम राम सा भाई जी अरे डोकरे पागल हो गया क्या क्यों कान खा रहा है उनका राम राम सा आप बोल क्या खाच है अजी खाच वाच कुछ नहीं है वो तो इधर से जा रहा तो मन का ब्याण जी से बोलते जाए क्यों क्या मतलब वो ब्याण जी नहीं दिखाई दे रहे अरे क्यों क्या मतलब तो यही मैं बोल रहा हूँ सुनाई नहीं देता क्या डोगरी तेरे को उल्टा जवाब दे रहे मेरे हिसाब से ब्याण जी ने कोई हाल ही रख रखा होगा हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई जी घर में तो सब ठीक है ना अरे हम तो ठीक है तू कोई डॉक्टर है क्या इतने सवाल जवाब कौन कर रहा है तेरे से दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तो भाई जी ये गंडगड़ी कैसे पोपा रही है वो तो क्या है इनकी आदत होती है जब इनकी बिरादरी का कोई आता है तो ये पोपाते ही है मेरे को तो ऐसे लग रहा है भाई जी तेरा माता खिसका हुआ है नहीं मेरा किसका हुआ तो नहीं अब खिसक जाएगा डोकरे निकल जा नहीं तो ब्याण जी राम राम सा राम राम सा भाई जी साढ़े तेरे को आएगा कैसे तू नायक नहीं लो बैठो भाई जी और भाई जी सुनाओ बस मौज है ब्याण जी आपके सुनाओ भाई जी बढ़िया है खेती बाड़ी कैसी है अजी बढ़िया बढ़िया और भाई जी दीना दाना है कि नहीं हाँ दीना दाना है वो भैंस देती है पहले दो खड़ देती थी पर अब क्या है एक खड़ी देती है वो अभी राख्या आई थी ना तो राख्या के ऊपर वो दीरानी पीर गई थी तो वो उसकी हथियार है वो दीरानी को ही दूध देती है तो मैंने क्या किया दूसरे की लुगाई को बुला के उसके ऊपर लुगड़ी डाल के दूध निकलवा दिया तो वो भैंस यूं देखी जान गई रोई है तो घीसी का की है तो वो उछल गई तब से वो एक खड़ी दे रही है कोई बात नहीं काम तो चल रहा है ना भैया चल रहा है चल रहा है अच्छा ब्याण जी वो रुगनाथ जी का फोन आया होगा आपके पास हाँ भाई जी आया था छोरा देखने के लिए रुगनाथ जी मेरे बहुत व्यवहारी है तो रुगनाथ जी ने फोन किया था कि ममता जी के है बढ़िया लड़का हाँ तो मेरे को क्या आगे भी जाना है थोड़ा सा जल्दी में हूँ लड़के को बुला देते तो मैं नजर में निकाल जाता उसको यही है भाई जी क्या बोले यही है यही है रुगनाथ जी ने इसी के लिए भेजा है डोकरी पहले नहीं बता सकती ये मेरे को देखने आया है तेरी बहन नु डक्ष नहीं रह सका तू तेरी बहन ने रो भाई रुकना क्या गया तू आज काम से हेलो अरे काय के साले कुजात आदमी तेरे को शर्म नहीं आई कहां भेजा तूने अरे हां वो मैं वहां ममता जी के यहां आया हूं छोरे को देखने क्या अरे वो घुंघराले से बाल है वो झौलिया सा दिखता है यही है क्या छोरा अरे साले तूने क्या सोच के भेजा मुझे ये बता दे अरे कहां ये लंगूर सा चोरा और कहां मेरी छोरी अरे कोई मेल ही नहीं है अरे तेरे को शर्म नहीं है साले तू छोरी देने की बात करता है मैं इस घर में नहीं दूं मेरा कोई भैजा डाई अरे साले कुजात आदमी तू मित्रता के नाम पे धपा है धपा पंकट अरे सर काट ममता जी आपका नाम है हां जी बताओ वो बड़ौड़ा में आपकी 115 बीघा जमीन है उसके बीच में से मेगा हाईवे जा रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से 15 करोड़ का मुआवजा पास हो गया ठीक है वो मैं से कह रहा था बैठो बैठो वो बहन जी भी कह रहा था छोरा मेरे को पसंद है जच गया भाई किसो गए भाई जी इसके तो घुंघराले बाल है बहन जी क्या बावड़ी बात करते हो ये तो क्या घुंघराले नहीं रेशमी बाल है रेशमी छोरा आंधा है भाई जी अरे क्या बावड़ी बात करते हो बहन जी आंधा कैसे बेटा वो क्या है वो सूरज है सूरज है ए, और कितना दूर का देखेगा बहन जी सूरज तक देख रहा है छोरा भाई जी पांचवी फैल है फिर कर दी ने बहन जी आपने बावड़ी बात अरे पढ़ के इसको कौन सी नौकरी करनी है बिजनेस करेगा बिजनेस है भाई बिजनेस है भैया जी कितना कमजोर है अरे ब्याण जी आप भी बोल ही रह गए अरे कमजोर नहीं है जीरो फिगर है जीरो फिगर आजकल यही चल रहा है भाई की सोगन बॉलीवुड में भी उम्र भी कुछ ही नहीं है भैया जी ब्याण जी देखो अब आप कुछ भी नहीं बोलोगे चोरा मेरे जच गया मतलब जच गया रिश्ता डन डन डना डन डन पूछूंगी भाई बंधु अरे ब्याण जी किसी से नहीं पूछना भाई बंद तो काट देंगे कोई किसी का नहीं है काटेंगे मैं तो देखना अब लगन की तैयारी कर रहा हूँ भाई की सौगन आप तो बारात की तैयारी करो और टेम वाले बारात लेके आ जाना भाई की सौगन
ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है।